हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी हाल में ही अग्निपथ योजना का शुभारंभ किया गया है। तो अग्निपथ योजना में क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम डिटेल में जानेंगे, जैसे कि अग्निपथ योजना क्या है एंड इसके बनने की योग्यताएं क्या हैं और ये कितने साल की होगी, ठीक, सैलरी कितनी है और इस कार्यकाल के दौरान अगर हम जो उसमें शामिल होते हैं सेनाओं में, अगर शहीद हो जाते हैं या विकलांग हो जाते हैं या किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं तो उनके साथ फिर क्या किया जाएगा या क्या होगा उनका। ओके, तो जैसे कि अग्निपथ योजना के बारे में हम देखें कि यह योजना क्या है, तो भारत सरकार द्वारा निकाली गई ये भारतीय सेनाओं को एक केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट कमेटी द्वारा ये बनाई गई योजना है और इसमें 4 साल के लिए आर्म्ड फोर्स में युवाओं को शामिल किया जाएगा। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। और जो भी इस योजना में शामिल होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अग्निवीर। चार साल के लिए इसमें शामिल होंगे, ठीक, और जो इसमें शामिल होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि और क्या क्या है इस योजना के अंतर्गत, 4 साल के बाद हमें अलग अलग सेक्टर्स में काम करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। जो भी अग्निवीर होंगे 4 साल की सेवा के बाद, उनको अलग अलग सेक्टर में काम करने के लिए पहले प्राथमिकता यानी प्राथमिकता उसमें दी जाएगी। ओके, अगर बात करें कि यह अग्निवीर बनने की योग्यता क्या है, अग्निवीर बनने की योग्यता क्या है, तो जैसे कि अभी हम सब जानते हैं, चाहे वो आर्म फोर्स में आपकी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक, इनमें क्या होता है, आर्मी में पहले फिजिकल, मेडिकल एंड रिटन, यानी कि वर्तमान में जो भी प्रोसेस चल रहा है भर्ती होने का, वर्तमान में जो भी भर्ती होने का प्रोसेस, जो भी योग्यताएं ली जा रही हैं, वही सारी योग्यताएं अभी भी और इस योजना के अंतर्गत हैं। इसमें योग्यता में कोई भी चेंजेस नहीं है। आपको हाई स्कूल होना चाहिए, हाई स्कूल और इंटर, ठीक, योग्यता में। और आपकी जो उम्र होनी चाहिए, इधर आपकी जो एज होनी चाहिए वो 17.5 साल से 21 साल आपकी एज होनी चाहिए। अगर बात की जाए कि एजुकेशन की, जैसे कि मैंने पहले बताया 10वीं और 12वीं पास, ठीक, और फिजिकल, ये जो फिजिकल एंड मेडिकल जो चल रहा है वो जो वर्तमान में चल रहा है वही होगा। ओके, और क्या क्या चीजें हैं इसमें, इसमें अगर ट्रेनिंग की बात की जाए तो ट्रेनिंग इसमें लगभग 10 हफ्ते से लेकर के 6 माह तक, इसमें ट्रेनिंग रहेगी। ओके, और क्या है इसमें, इसमें आपका इन जो अग्निवीर होंगे इनको मिलेगा क्या क्या, ये भी हम देख लेते हैं। मतलब कि मिलने से मतलब ये किस किस प्रकार के इनके पास फैसिलिटी होंगी वो भी थोड़ी सी हम देख लेंगे। ओके, तो इनके पास जो भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो वर्तमान में हमारे फौजी भाइयों के पास होती है वो सारी होगी, जैसे कि आपके होलोग्राफिक्स, ठीक, और
कंट्रोल सिस्टम जो सारे होते हैं, ये सारे चीज़ें होंगी। कौन कौन सी? होलोग्राफिक्स, नाइट, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं। सारा का सारा इनके पास कंट्रोल सिस्टम होगा, ये चीजें हो गई। ओके, 4 साल नौकरी के बाद क्या होगा? 4 साल नौकरी के बाद क्या होगा? 4 साल के नौकरी के बाद क्या होगा? जैसे कि हमने 4 साल इसमें नौकरी कर ली, इसके बाद क्या होगा? ठीक, तो 4 साल की नौकरी के बाद, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको एक अलग से प्राथमिकता दी जाएगी, अलग भिन्न विभिन्न आपको सेक्टर्स में, पब्लिक सेक्टर्स हो गए और आपके अंडरटेकिंग मंत्रालय में नौकरी के लिए आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर और बात करें कि और क्या फायदा होगा इसके करने के बाद, इसमें 25% ये अग्निवीर जो होंगे उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। 25% अग्निवीरों को, यानी 75% 4 साल के बाद रिटायर, एंड 25% जो बचेंगे उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए, उनकी फिजिकली मेंटली सारी चीजों को चेक करने के बाद, 4 साल में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उन सबको देखते हुए 25% लोगों को चुना जाएगा और उनको आगे बढ़ने का उसी फील्ड में मौका दिया जाएगा। ओके, चलिए ये हो गया। इसके बाद अग्निवीरों की सैलरी क्या होगी? तो इनकी सैलरी अगर सैलरी की बात की जाए, सैलरी तो इनको, इनका जो अग्निवीर की जो सैलरी होगी, सालाना पैकेज होगा, सालाना पैकेज जो होगा वो होगा आपका 4,76,000। और चौथे साल में 4,76,000 से बढ़कर ये हो जाएगा आपका 6,92,000। यानी कि आपकी जो सालाना इनकम होगी वो होगी 4,76,000 और चौथे साल में 6,92,000 रुपए आपकी चौथे साल में सालाना पैकेज हो जाएगा। ठीक, इसके बाद सेवानिवृत्त, यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, पेंशन, एक मुफ्त पेंशन इनमें मिलेगी, मतलब कि एक ही साथ दे दी जाएगी। वो कितनी होगी? वो होगी लगभग सेवा पूरी करने के बाद, वो होगी सेवा पूरी करने के बाद वो होगी आपकी 11,07,000। ये एक मुश्त आपको सेवानिवृत्त जब आप होंगे तब मिल जाएंगे। ओके, और क्या है इसमें? ये हो गया। इसके बाद अगर आप सेवा करने के दौरान, जब आप सेवा दे रहे हैं 4 साल के अंतर्गत, अपनी सेवा के देने के दौरान अगर आपको कुछ हो जाता है, आप शहीद हो जाते हैं, या आपके साथ कुछ हादसा हो जाता है, या आप सेवा के दौरान विकलांग हो जाते हैं, तब क्या होगा? ठीक, तो जब आप शहीद या हादसे का शिकार हो जाते हैं तब इसमें आर्मी चीफ मनोज पांडे जी ने बताया है कि इसमें पूरे परिवार का, किनके परिवार का? अग्निवीर के परिवार का, पूरे परिवार का
इंश्योरेंस होगा। क्या होगा? इंश्योरेंस होगा। और परिवार का इंश्योरेंस हो गया, और शहीद के परिवार को सेवा निधि समेत, सेवा निधि समेत लगभग 1 करोड़ रुपए मिलेगा। और क्या होगा? जो बची हुई आपकी सेवा काल के जो बचे हुए दिन हैं, उनकी सैलरी भी आपको या आपके परिवार को दे दी जाएगी। ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद बात आती है कि इसमें अगर विकलांग हो जाते हैं, अगर विकलांग हो जाते हैं तो विकलांगता के परसेंटेज के अनुसार, विकलांगता के परसेंटेज के अनुसार लगभग आपको 44 लाख रुपए मिलेंगे। विकलांगता के परसेंटेज के अनुसार, ठीक। और सबसे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इस वर्ष वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी? कहा जा रहा है कि इस वर्ष 40,000 वैकेंसी आने की संभावना है, ये आ सकती है। तो ये थी आज की एक महत्वपूर्ण जानकारी जो कि अभी चर्चा में थी। और हाँ, एक चीज आप और बता दूं आपको, डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के कोर्सों के बारे में, अगर आप किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसको क्लिक करिए, आपको हर प्रकार के कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ओके, तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। जानकारी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इससे प्रभावित हुए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।